कदी कदी मैं सोचूं कि एक घटना बिना मेरी जिंदगी न्यारी सी होती। पिताजी सदा कहता थन मालिक न्यारी सी बनाई और सुनी खुशी और आनंद बहु मिले। मेरे माँ बाप की मौत बस दुर्घटना में होगी, बांगे मरण के बाद मेरा दादा दादी मेरी देखभाल करता। लोग कहवे के मेरी जन्म माड़ी राशि में होयो है, अरे श्राप मेरे माँ बाप की मौत की वजह बन गयो। मन लग गया के मेरे लारले जन्म गए पापा का कर्म है। मेरा दादा दादी मेरो ब्याह करवा गए, मेरू लारो छुड़ानो चाहे। मेरो ससुरो जी मेरी पक्ष करतो और मेरो अच्छी तरह ध्यान रखतो। मेरी सासू माँ मेरो इया चावेई कि मैं बिना एक पोतो ही जान के देऊं। मैं मेरी ननद ने अच्छी कोनी लगती, मन लग गए तो वह मन देख के बढ़े। जदू मेरो सुसरो जी बीमार हो गया, जदू मेरा आदमी ने बोलो काम करनो पड़तो कि वो परिवार की जरूरत ने पूरी कर सके और बी पर बोलो बारो। मैं डर गई, मन्ने ठा कोनी हो, अब मैं के करूं। जे मैं माँ बनती तो वह राजी होती, पर मैं माँ कोनी बन सकी। मेरे ससुर बिना मन्ने कोई कोनी जान तो, अरे वे इत्ता बीमार आ वे कोई बात कोनी कर सका। ओ देख गे मन्ने बहुत दुख होन तो। मेरी सासु माँ मन्ने बहुत ही धमकांती, जे मेरा छोरो ना होयो तो मन्ने घरों काट देसी। मेरे पड़ोस में एक अच्छी लुगाई अरबा मन्ने आपके घरे चा खातर बुलाती, पिंगी आपकी जिंदगी इतनी दुखा में ओंता हुआ भी खुश दिखती।
मैं मेरी सहेली प्रेमा को पूछो का मेरा वर्गी लुगाई को इतो ध्यान क्यों रखे। बन क्यो का सतगुरु यीशु अरबिंगा चेला को रास्तो है एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान रखनो। अर बन इया भी क्यो का भगवान मन्ने प्रेम करे अर बा भी मन्ने प्रेम करे। मैं प्रेमा के ओ का मन्ने भगवान यीशु के बारे में बतावे और बन बड़ी दयाऊं यीशु के बारे में बतायो। बन मन्ने संगत में आन खातर न्योंतो दियो जिम मैं सतगुरु यीशु के बारे में बतावा। मन्ने भी सत्संग गुरुजी की आवाज आज भी अच्छी तरह याद है। सतगुरु यीशु भगवान की बेजड़ी अटल ज्योति जिको कोई विश्वास करेगो वो पाप और मौत के चक्करों बंचेगो। बंगो अनुग्रह अपनाना मारी आलसी जिंदगी ने सुनी और अच्छी बना दे। ओ एक ईसो समाचार हो मैं आपकी सारी जिंदगी सुन खतर तरसे ही। प्रार्थना माने सिखावे कहे परमेश्वर झूठू माने सच्चाई का नी ले चाल। अंधेरों माने अटल ज्योत का नी और मौतू माने अमर जीवन का नी ले चालो। सतगुरु यीशु में ही मारी प्रार्थना की पूर्णता है। सतगुरु यीशु ही राह सच्चाई और जीवन है और माने मुक्ति देवे। बाबी ने बतायो कि यीशु महाराज के द्वारा भगवान शिव कद ही और कठे ही प्रार्थना कर सका। कोई भी बड़ाई के बगैर बांगो अनुग्रह काफी है और बा बतायो कि भगवान चाहे कभी वो अनुग्रह आपा ही अपनावा। बा मने उत्साहित करो कि मैं सतगुरु यीशु महाराज ने गुरु बना के भक्ति प्रार्थना और आराधना बिंगी ही करूँ। मैं महाराज यीशु की भी रात प्रार्थना करी कि वो मने सच्चाई के रास्ते पर चलावे और मने मुक्ति दे शांति भर दे। मैं वो जान गए बहुत ही अचंभो होयो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो जान गए मेरो परिवार बहुत ही राजी होयो और मने पाछी घरे ले आया। मरियम का यीशु लाडला सारी जगरा हो सारी जगरा तारन हार मारे घर आओ जी। हम यीशु के की लठो क्या हाथा में यीशु
छुपे चीला तो क्या बाकी पसली में भालो छिदाई पर घर आओ जी आओ आओ मारा ये शोराज पर घर आओ मेरे एक टाबर होयो पर मन्ने बिंगो मुंह देखनो भी नसीब कोनी हो मेरो टाबर एक छोरी ही एक कारण बिने मरनो पड़ो मेरी सासू मेरी छोरी ने मरवा दी के मैं बिन कदे माफ कर सकूं के मेरे पहले टाबर ने मारन खातर के मैं अपने आप ने माफ कर सकूं के करना मैं मने कोई रास्तो को नहीं दिशो ई पाप के कीचड़ो निकलन खातर अन्न मालिके न्यारी सी बनाई और सुनी खुशी और आनंद बहु मिले मेरे ससुर जी की हालत पूरी तरह बिगड़ गई और डॉक्टर के दियो बांगो जीनो बहुत ही मुश्किल है मेरी सासू माँ मेरे पर दोष लगायो कि मैं ए भागण हूँ बा मन्ने भी मारनो चाहे ही जिया मेरी छोरी ने मारी मन्ने भी पर बहुत तरस आओ मेरा और बिंगे बुरे व्यवहार के खातिर माफी मांगी बिंगे पछताना बगैर मेरे खातिर कोई खुशी कोनी मैं कहूं ईसु महाराज मन्ने माफ करयो है बिया थाने ही माफ कर सी
जिया परमेश्वर थाने प्रेम करे बिया मैं भी थाने प्रेम करूं। मैं दोना मिलके प्रार्थना करी का भगवान यीशु मेरे ससुर ने बेगो बेगो ठीक कर दे। दुर्घटना ना हुई होती तो मेरी जिंदगी किसी को होती अब बिंगो कोई फर्क कौन पड़े। यीशु बुरे बुरे हालात ने बदल गए अच्छी कर दे।